वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज आपके लास्ट 3 मंथ करंट अफेयर्स का रिवीजन है। बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एसएससी सीजल क्वालिफाई किया, यूपीपीएससी का मेन्स राइट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा। ओके, यहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। जीके जीएस के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इसी वीक स्टार्ट हुआ है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेनली एसएससी एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स की जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसएससी कॉम्बैट आपका देख सकते हैं, ये हर संडे को होता है, इस बार भी है, 26 दिसंबर को है, 12 PM पे होता है। और नेक्स्ट है आपका 2 जैन को है, 12 PM पे रीजनिंग का है। और इस बार 26 को क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। तो बिल्कुल आप लोगों को ये देना चाहिए। और बिल्कुल एक बात तो बताना ही भूल गई, ये बिल्कुल फ्री है, हर कोई दे सकता है। बस इस पे इनरोल करने के लिए आपसे कोड पूछता है, आप कोड यूज़ कर सकते हैं SAA10, और आप ये बिल्कुल दे सकते हैं। और इसमें आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपकी रैंक 1 से 3rd है तो 100% स्कॉलरशिप, देन 75%, 50%, 25% एंड 20%। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, यहाँ जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये फीचर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगा। सबसे पहले आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ डाउट एंड सॉल्यूशन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ आप आस्क अ डाउट पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी डाउट है आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे, क्रॉप करेंगे और अपलोड करेंगे। तो बिल्कुल ये फीचर आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए। दिसंबर ऑफर्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का ले रहे हैं तो आपको 4 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और अगर आपने 24 मंथ का लिया है तो 8 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। एसएससी बैंक कॉम्बो में भी यही ऑफर है, अगर आपने 1 ईयर का लिया है तो 6 मंथ की, और 2 ईयर का लिया है तो 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो आप ये ऑफर देख सकते हैं, और ये 28-29 को ही वैलिड है। ओके, तो आप लोगों को ये ऑफर देख लेना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो 24 मंथ की फी 7,800 है, और 1 ईयर की कितनी है, 6,500 है। और इस पर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको कोड यूज करना होगा SAA10। ओके, नाउ हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो अभिषेक जी, नहीं रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलकुट ने बुकर पुरस्कार जीता है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फ्रांस। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, बता दूं इस क्लास की डेली की टाइमिंग एसएससी गुरु सुबह 8 बजे एसएससी गुरु चैनल पे होती है, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। ओके, ये लास्ट 3 मंथ करंट अफेयर्स का रिविजन है और टेस्ट है। ओके, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हेलो गोपाल जी, बताइए क्या होगा, डेमन गलकुट ने बुकर पुरस्कार जीता, किस देश के लेखक है ये? हेलो विपिन जी, वीरज गुप्ता जी ने न्यूजीलैंड बोला है। ओके, आयुष जी ने बी बोला है, नीतीश जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने बी आंसर दिया है, दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा, दक्षिण अफ्रीका। पहली बार बुकर प्राइज कब दिया गया था, कब दिया गया था, 1969 में। और डेमन गलकुट ने बुकर पुरस्कार जीता है इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। किसके लिए, द प्रॉमिस के लिए इन्हें मिला है। और ये किस देश के हैं, तो आंसर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। ओके, ये हैं आपके डेमन गलकुट, दक्षिण अफ्रीका के हैं, और इन्हें ब्रुकर प्राइज मिला है दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलकुट ने। द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। डेमन को उनकी पिछली 2 पुस्तकों के लिए चुना गया है, जिसमें उन्होंने रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका में एक श्वेत परिवार के चित्रण के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये है डेमन गलकुट। और बुकर प्राइज की अगर हम बात करें तो ये बेस्ट नॉवेल को दिया जाता है जो इंग्लिश में लिखी होती है। और कहाँ पे है इसका गिल्ड हॉल लंदन में है। और फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, 1969। कौन से इंडियंस हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, तो 1997 में अरुंधति राय को मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, 2006 में मिला है किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और 2008 में अरविंद अडिगा को मिला है द व्हाइट टाइगर के लिए। ओके, और ये डेमन गलकुट ये कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के लिए, दक्षिण अफ्रीका के हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। ओके मुलायम सिंह जी, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए,
और शेयर भी कर दीजिए। ओके, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर, क्या होगा जी? कल भी इस क्लास की टाइमिंग 11 बजे ही है, कल भी आपकी क्लास सेम टाइम पे 11 PM पे होगी। ओके, बताइए इसका आंसर दीजिए। ओके, आयुष जी ने ए बोला है। लाइट्स तो शो हो रहे हैं। ओके, रौनक जी ने 1 नवंबर बोला है। ओके, आयुष जी ने, बिल्कुल ठीक है आयुष जी, क्या होगा? स्टैटिक की भी क्लास होती है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? 2 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए वैश्विक सजा पर ध्यान देने आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। 2 नवंबर 2013 को नवंबर 2013 को माली में की गई 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के बाद की याद में ये मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2013 से। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटारकी ब्रांड जेड इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे उद्देश्यपूर्ण प्रौद्योगिकी ब्रांड की सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? अमेजन, जोमैटो, यूट्यूब, गूगल। जी रौनक सिंह जी, 2 नवंबर होगा उसका। ओके, आयुष जी ने ए बोला है, अमेजन, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? जी विराज जी, आंसर क्या होगा? ए होगा, अमेजन। जी अभिषेक कुमार जी, अमेजन होगा। अमेजन की बात हुई है तो सीईओ कौन है? एंडी जैसी। फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। और स्थापना कब हुई थी अमेजोन की? कब हुई थी? 5 जुलाई 1994। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, अमेजन। कंटारकी ब्रांड्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अमेजन, टाटा टी और एशियन पेंट्स भारत में क्रमशः प्रौद्योगिकी FMCG और गैर FMCG श्रेणियों में सबसे अधिक उद्देश्यपूर्ण ब्रांड के रूप में उभरे हैं। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? अमेजन। उसके बाद क्या है? जोमैटो, फिर यूट्यूब और गूगल और स्विगी जो है वो संयुक्त रूप से 4th स्थान पे, और देन फ्लिपकार्ट है। ओके, तो आंसर होगा ए, अमेजन। ओके, ये PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगी? सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक है। ये रिविजन क्लास है इसलिए थोड़ी फास्ट होगी। ये सारी आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब कराए जा चुके हैं कहाँ पे? SSC गुरु चैनल पे, इसलिए थोड़ी फास्ट होगी। ओके, अमेजन की बात करें तो सीईओ कौन है? एंडी जैसी। फाउंडर जेफ बेजोस। और स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटियटर आम और एंड्यूर मिर्च को किस राज्य से GI टैग मिला है? गुजरात, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। हेलो शर्मा जी, जी मॉर्निंग में क्लास चलती है डेली सुबह 8 बजे, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है आयुष जी, केरल। आंसर क्या होगा? केरल। केरल की बात हुई है तो फटाफट बता दीजिए, कैपिटल, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है? बिल्कुल ठीक है, आंसर होगा केरल। तो केरल की बात हुई है, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल तिरुवनंतपुरम और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। ओके, वैरायटीज ऑफ मैंगोज की बात करें, कुट्टी अटर आम और एंड्योर मिर्च को मिला है GI टैग, कहाँ का है ये? केरल का है। अल्फांसो मैंगोज कहाँ पे? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। केसर मैंगोज, दशहरी, हिमसागर एंड किसान बाग मैंगोज, चौसा और बादामी, ये कहाँ पे? नॉर्थ कर्नाटक।
तो ये आप यहाँ से वैराइटीज ऑफ मैंगोज इन इंडिया ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, डेविड जूलियस। ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। क्या होगा? जी होती है दीप जी, ओके बिल्कुल ठीक है। आयुष जी ने डी, विराज जी ने डी, अभिषेक जी ने डी बोला है, शर्मा जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? डी होगा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल प्राइज 1913 में, लिटरेचर के लिए मिला था, किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ओके। और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? जी अविनाश जी, इसकी पीडीएफ आप लोगों को सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक है। सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। जी बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, आयुष जी ने बी बोला है, अमर गुप्ता जी ने बी बोला है, शर्मा जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? यूके। ओके, कैपिटल, करेंसी और प्राइम मिनिस्टर, फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल लंदन, करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। तो आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम ने अपनी फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना का अनावरण किया, जिसमें सैन्य और भविष्य में हथियारों में निवेश की सेवा करने वाली जनशक्ति में सुधार करने की अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। रक्षा मंत्रालय ने अगले दशक के दौरान 8.6 बिलियन पाउंड के सैन्य उपकरणों में अतिरिक्त निवेश की घोषणा की, इससे इसी अवधि के लिए कुल निवेश बढ़ाकर कितना? 41.3 अरब पाउंड हो जाएगा। ओके, अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम तो कैपिटल लंदन, करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दो नई योजनाएं जनसेवक और जन स्पंदन शुरू की है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली। सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ओके, आयुष जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? जी अभिषेक जी, आयुष जी, शर्मा जी, आंसर क्या होगा? कर्नाटक। ओके, अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, गवर्नर कौन है और चीफ मिनिस्टर कौन है, फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत और चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक सरकार ने हाल ही में दो नई योजनाएं जनसेवक और जन स्पंदन शुरू की है, जिसमें एक योजना सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए और दूसरी योजना जो है वो जनता की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई है। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्बई। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28 सीटें हैं, कहां पे? कर्नाटक में। राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान, किसने? कर्नाटक को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान मिला था। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव। क्या होगा? ओके, आयुष जी ने सी बोला है,
विराज जी ने सी बोला है, अमर जी ने सी बोला है, शर्मा जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? रविचंद्रन अश्विन। ये है आपके कौन? आर अश्विन। ओके, तो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में हाल ही में हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर रविचंद्रन अश्विन तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 80 मैच में कितने 418 विकेट हासिल कर लिए हैं और उनसे आगे कौन कौन है? अनिल कुंबले और कपिल देव हैं। और हरभजन सिंह ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिए थे और इन्होंने 80 मैच में ही कितने 418 विकेट हासिल किए हैं? किसने? आर अश्विन ने। तो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का वैलेंडी ओर अवार्ड जीत लिया है? किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार, पॉल पोग्बा। किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? ओके, बिल्कुल ठीक है। आयुष जी ने आंसर दिया है बी, लियोनेल मेसी। बिल्कुल ठीक है। तो सातवीं बार, बिल्कुल ठीक है, सातवीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का वैलेंडी ओर अवार्ड किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ये हैं आपके मेसी साहब। ओके, तो सॉरी, लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार यानी कि बैलेंडी ओर अवार्ड जीता है। उन्होंने बार्सिलोना के साथ आखिरी सत्र में शानदार प्रदर्शन किया, साथ ही अर्जेंटीना के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी जीता। महिला वर्ग में अलेक्सिया पुतेलास ने बार्सिलोना और स्पेन के लिए अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर पुरस्कार जीता है। महिला वर्ग में अलेक्सिया पुतेलास ने और वैलेंडी ओर अवार्ड जीता है फुटबॉलर का। किसने? लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो पुरस्कार है वो फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलेंडी ओर द्वारा 1956 कब से 1956 से ये हर साल सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर को दिया जाता था और 2018 में इसे महिला वर्ग में भी दिया जा रहा है। दोनों पुरस्कार 2020 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हुए थे, अब 2021 में दिए गए हैं। तो 1956 से ये किसको? पुरुष फुटबॉलर को ही दिया जा रहा था, लेकिन 2018 से महिलाओं को भी दिया जाने लगा और महिला वर्ग में अलेक्सिया पुतेलास को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? क्लाइमेट इमरजेंसी, टॉक्सिक वैक्स, पोस्ट ट्रुथ। क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? ओके, बिल्कुल ठीक है। शर्मा जी ने 10th का सी बोला है, आशीष ने सी बोला है, आयुष जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तरुण जी ने वैक्स बोला है, बिल्कुल ठीक है तरुण जी। आंसर क्या होगा? वैक्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ट्विटर ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? किसे किया है? सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा, पराग अग्रवाल। किसे किया है जी? लेट्स अध्ययन जी, बिल्कुल ठीक है जी। दलजीत सिंह जी, इसके पहले वाले का आंसर सी था। जिन भी लोगों ने इसके पहले वाले का आंसर वैक्स दिया है, बिल्कुल ठीक है उनका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? डी, पराग अग्रवाल। ये है आपके कौन? पराग अग्रवाल। और इन्हें बनाया गया है सीईओ कहां का? ट्विटर का। तो बिल्कुल ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने, किसने? जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पे बने हैं कौन? पराग अग्रवाल। ये जो पराग अग्रवाल हैं, ये 2011 में ये ट्विटर से जुड़े थे और 2017 में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाया गया था इन्हें। और पराग ने कहाँ से? आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो पराग अग्रवाल को बनाया गया है कहाँ का? ट्विटर का सीईओ। अब ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में है।
तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, संजय दत्त, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, शर्मा जी ने 12 का डी, आयुष जी ने डी बोला है, दिलीप जी ने डी बोला है, शिखा सिंह जी ने, आशीष ने डी बोला है, दलजीत सिंह, सरिता सिंह जी ने डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या होगा? संजय दत्त डी होगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो बिल्कुल, कैपिटल क्या है, गवर्नर कौन है और चीफ मिनिस्टर कौन है, फटाफट बता दीजिए। फटाफट बताइए, बिल्कुल ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा, और चीफ मिनिस्टर कौन है, बिल्कुल ठीक है, पेमा खांडू। तो आंसर क्या होगा? संजय दत्त। अच्छा, एकलव्य स्कूल, एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर, केसर ए हिंद को राजकीय तितली घोषित की गई है, ये सब कहां? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? संजय दत्त को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट यानी सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म परियोजना को लॉन्च किया है? बिहार, गुजरात, केरल, पंजाब, किसने किया है? बिल्कुल ठीक है, 13 का आंसर क्या होगा बताइए? किस राज्य के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट यानी सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म परियोजना को लॉन्च किया है? ओके अजीत तिवारी जी, बिल्कुल ठीक है। आशीष, क्या होगा? केरल जी। रिंकी जी, आंसर सी होगा। शिवम जी, केरल होगा। क्या होगा? सी होगा, केरल। अच्छा, केरल अभी हमने देखा, कैपिटल, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, फटाफट बताइए। वेलकम आयुष जी। ओके, बिल्कुल ठीक है, आंसर तो हो गया केरल। ओके, पता चल गया केरल है। ओके, कैपिटल, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। कैपिटल क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ मिनिस्टर? पिनराई विजयन। ओके, तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल पर्यटन ने हाल ही में 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों में स्ट्रीट यानी कि सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म परियोजना शुरू की। यह परियोजना पर्यटकों को इन स्थानों की विविधता का अनुभव करने में मदद करेगी। पहले चरण में यह परियोजना कहाँ पे? कोझिकोड में, कदलुंडी, पलक्कड़ में थ्रिथला और पट्टीथारा, कन्नूर में पिनाराई और अंचरकंडी, और कोट्टायम में कहाँ पे? मारवनुथुरुथु और मंचीरा, कासरगोड में वलिया परंबा, और इडुक्की में कहाँ पे? कंथलूर और वायनाड में चेकाड़ी में लागू की जाएगी। तो इन 7 जिलों में ये लागू की जाएगी, कहाँ? केरल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, केरल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर? पिनराई विजयन। राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीट है, कहाँ पे? केरल में। अच्छा, विद्यारत्नम आयुर्वेदा म्यूजियम कहाँ पे? केरल में। नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी थी? केरल की। इंडियाज यंगेस्ट मेयर कौन? आर्य राजेंद्रन, कहां से? केरल से। सब्जियों पर एमएसपी लगाने वाला पहला राज्य? केरल। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी? केरल की। तो आंसर क्या होगा? केरल। ये सारे फैक्ट्स कहां से? केरल से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? गीता फोगाट, मिताली राज, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम, क्या होगा? थैंक यू आशीष, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सी, अंजू बॉबी
अंजू बॉबी जॉर्ज, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू अविनाश जी, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। भारत की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स ने देश में प्रतिभाओं को तराशने और लैंगिक समानता की पैरवी के लिए साल की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार दिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय अंजू को कहां पे सालाना पुरस्कारों के दौरान इस सम्मान से चुना गया, विश्व एथलेटिक्स। तो बिल्कुल वही सारी बातें लिखी है, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है किसके, वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, अंजू बॉबी जॉर्ज। ये रही आपकी कौन, अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्हें मिला है वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 के विजेता के रूप में किस पुस्तक को चुना गया है? नौरोजी पॉइनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जंगली हिमालय, द अनइक्विड रिवर, मिडनाइट मिशन, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है आयुष जी, आशीष, क्या होगा? ए होगा, नौरोजी पॉइनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो आंसर हो जाएगा ए। दीनदयाल पटेल द्वारा लिखित और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा लिखी गई है? दीनदयाल पटेल द्वारा लिखित और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित नौरोजी पॉइनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली जीवनी को चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF यानी न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है। दादाभाई नौरोजी के जीवन की घटनाओं और विरासत को बुक मार्क किया, इसमें 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी शामिल है। NIF पुस्तक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। कब से शुरुआत हुई थी? 2018 से। और किसे मिला है? नौरोजी पॉइनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है बुक, ओके। स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस नाम के भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया? विज्ञान वन, धावक वन, धवन वन, सुरक्षा वन, क्या होगा? जी मानशु जी बताइए, ओके। आशीष ने सी बोला है, धवन वन, और कोई? बिल्कुल ठीक है, तरुण जी ने सी बोला है, सुधीर जी ने, शर्मा जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है धवन वन, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। स्काईरूट एरोस्पेस ने हाल ही में अपने विक्रम 2 प्रक्षेपण यान के उच्च चरण का प्रदर्शन करते हुए धवन 1 नाम से भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। यह क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन 100% 3D प्रिंटेड और 100% भारत में निर्मित है और इसका नाम इसरो के तीसरे अध्यक्ष किसके, सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पे? सतीश धवन के नाम पे रखा गया है स्काईरूट एरोस्पेस। अभी इसने निजी तौर पर किसका, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया, धवन वन उसका नाम रखा गया, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय डाक सेवा दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय विज्ञान सेवा दिवस, क्या होगा? थैंक यू आशीष जी, बिल्कुल ठीक है, इसके पहले वाले का आंसर धवन वन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं, बताइए क्या होगा? बिल्कुल ठीक है आशीष, क्या होगा? भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस 1971 की जंग में पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। इस दिन नेवी के जवाजों को याद किया जाता है। नेवी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कहां पे, कराची में घुसकर मुठभेड़ में जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। और 4 दिसंबर को पूरे भारत में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को देने की घोषणा की है? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम।
बताइए क्या होगा आंसर? किस राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को देने की घोषणा की है? ओके, आशीष ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है आशीष। आंसर क्या होगा? असम होगा डी। असम की बात हुई है तो कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है आयुष जी, दिलीप जी। आंसर क्या होगा? सरिता सिंह जी, बिल्कुल ठीक है आंसर डी होगा जी। देव जी, बिल्कुल ठीक है। असम, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। तो बिल्कुल ठीक है आंसर क्या हो जाएगा? असम। अच्छा, ऑरेंज नेशनल पार्क, गोपीनाथ बारदोली अवार्ड, मिशन वसुंधरा और ई फिश मार्केट ऐप, फिश वाले और भास्कर बड़ा कैलेंडर, ये कहां से है? ये सारे फैक्ट्स असम से संबंधित है। ओके, असम की बात हुई है तो कैपिटल दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें हैं असम में। तो असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे? रतन टाटा को सम्मानित करने की घोषणा की है। रतन टाटा को असम के लोग राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें ये अवार्ड देने की बात की है। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से साल 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फुटबॉलर सिस टूर्नामेंटों में रिकॉर्ड 800 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नियोलन मेसी, नेमार, पॉल बोगबा। क्या होगा? जी दीप जी, होगी। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने 19 का आंसर दिया है, ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। मुकेश जी, सरिता जी, दयांक देव जी, डीके गेमर जी, ब्रिजेश जी, बिल्कुल ठीक है। नहीं, सोना नहीं है शर्मा जी, पढ़ना है, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? ए होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आपके रोनाल्डो जी, कौन है रोनाल्डो जी? अभी हमने देखा था। अच्छा, वैलेंडी ओर अवार्ड किसे मिला है? अभी देखा हमने, है ना, आज ही पढ़ा है। किसे मिला है वैलेंडी ओर अवार्ड? किसे मिला है? मेसी जी को मिला है। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आर्सेनल के खिलाफ 2 गोल कर 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। अब उनके टोटल 801 गोल हो चुके हैं। जी सुब्रत कुमार जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, वैलेंडी ओर अवार्ड किसे मिला है? मेसी को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज को तैयार किया है? नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। क्या होगा? सचिन जी, डेली रात को नहीं, डेली मॉर्निंग में होती है ये क्लासेस, 8 AM पे SSC गुरु पे। ओके विक्की जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके आयुष जी, बिल्कुल ठीक है। आशीष, क्या होगा? डी होगा आंसर। अक्षय जी, डेली टाइमिंग है क्लास की। ओके, एक बारी मैं बता देती हूँ, डेली सुबह क्लास होती है 8 AM पे। कहाँ पे? 8 AM पे SSC गुरु। कहाँ पे होती है? SSC गुरु YT पे चैनल है, आप सर्च करिएगा। और मेरा नाम सौम्या पांडे है। क्या है, बचपन में बोलते थे, वही याद आ गया, मेरा नाम क्या है? सौम्या पांडे है। आप सर्च कर सकते हैं SSC गुरु पे, डेली सुबह 8 AM पे करंट अफेयर्स की क्लासेस, ये क्लासेस जो अभी आपकी रिविजन क्लास है, इसकी डेली क्लास होती है। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, श्रीलंका। ओके, श्रीलंका PM कौन है बताइए, फटाफट बताइए। कैपिटल PM और प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे। कौन है?
प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे, कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, और प्रेसिडेंट कौन है, गोतबाय राजपक्षे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग को गहरा करने और आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए खाद्य और दवाओं के आयात और मुद्रा विनिमय व्यवस्था को कवर करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट सहित 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। ओके, श्रीलंका की बात हुई है तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, महिंद्रा राजपक्षे, कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, प्रेसिडेंट गोतबाय राजपक्षे, और करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी। तो आंसर इसका डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, बिहार, गुजरात, केरल, पंजाब। थैंक यू दीप जी, हेलो देवाशीष जी, बताइए इसका आंसर, बताइए। होती है आयुष जी, स्टैटिक की भी क्लास होती है। कल आप लोगों की क्लास की टाइमिंग, एक्चुअली कल आप लोगों की सेम टाइम पे क्लास होगी 11 PM पे, और स्टैटिक की ही क्लास होगी। ओके, स्टैटिक की क्लास होगी, और इसके बाद यानी कल तो सैटरडे है, सैटरडे नाइट आपकी स्टैटिक जीके जीएस की क्लासेस होंगी। इसी चैनल की बात कर रही हूँ अभी मैं फिलहाल, वाईफाई स्टडी की, और उसके नेक्स्ट डे 10 PM पे, सॉरी 10 बजे आपकी क्लास होगी, स्टैटिक की ही क्लास होगी। ओके, तो इसके बाद यानी अगले 2 दिन आपकी स्टैटिक की क्लास है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा बिहार, बिहार, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर होगा ए बिहार। अब बिहार, तो बिहार के गवर्नर कौन है, फागू चौहान, कैपिटल क्या है, पटना, और चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के कौन सा संस्करण था, 40वां संस्करण, क्वेश्चन में भी था, बिल्कुल, उद्घाटन किया, और यह भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय के साथ और वोकल फॉर लोकल के विचार को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया। पूछा है कि किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, तो बिहार, बिहार जो है वो 40वें IITF का भागीदार राज्य है, और फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड है। तो किसने जीता है, बिहार ने जीता है, गवर्नर फागू चौहान, कैपिटल पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं, कहाँ पे, गुजरात में। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू किया, ब्राजील, इंडोनेशिया, मालदीव, गाम्बिया, क्या होगा। हेलो देवाशीष जी, बिल्कुल ठीक है पवन जी, जल्दी बताइए आंसर, बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का। थैंक यू मनोज जी, ओके, शर्मा जी ने डी बोला है, आयुष जी ने डी बोला है, ड्रीम बॉय जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है, पवन जी ने गाम्बिया बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा गाम्बिया। अब गाम्बिया, तो कैपिटल क्या है, बंजुल, गाम्बिया की कैपिटल बंजुल, करेंसी क्या है, गाम्बियन दलासी, क्या है, गाम्बियन दलासी, और प्रेसिडेंट कौन है, अडामा बैरो, और इन्होंने अभी दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। तो गाम्बिया देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने चुनाव के दौरान 53 निर्वाचन क्षेत्रों में से 50 में से 53% से अधिक मत हासिल किए, और राष्ट्रपति के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, ओसैनो डार्बो, और इन्होंने कितने 27.7% वोट हासिल किए। तो 53% के साथ जीते कौन, अडामा बैरो, और ये कहाँ, गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। गाम्बिया, कैपिटल क्या है, बांजुल, और करेंसी क्या है, गाम्बियन दलासी, प्रेसिडेंट अडामा बैरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज का विमोचन किया गया है, अरुंधति राय, रमेश पोखरियाल, रचना बिस्ट रावत, रस्किन बॉन्ड, क्या होगा। बोलिए जी, अरे वाह, आशीष ने भीष्म पितामह का रूप ले लिया है, बिल्कुल ठीक है, बोलिए भीष्म पितामह जी, जी देवाशीष जी बोलिए,
अच्छा शर्मा जी, आप भी बोलिए नींद में। बिल्कुल ठीक है, नींद में आपने सही आंसर दिया है। क्या होगा? रचना बिष्ट रावत। बिल्कुल ठीक है जिन भी लोग, दयानंद जी बिल्कुल ठीक है, सी होगा ड्रीम बॉय जी। क्या होगा आंसर? हेलो अरविंद जी, सचिन जी बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? रचना बिष्ट रावत, ये बुक है 1971, चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, इसका विमोचन किया है रचना बिष्ट रावत ने। ये नई किताब 1971 के भारत पाक युद्ध की सच्ची कहानियों का खुलासा करती है और किसके द्वारा लिखित है? रचना बिष्ट रावत। किताब में फ्लाइट लेफ्टिनेंट की कहानी शामिल है जो पाकिस्तान के अंदर अपने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लापता हो गया था और आधुनिक सैन्य इतिहास में आखिरी कुकरी हमले शामिल हैं। तो बिल्कुल इस बुक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2021 कब मनाया गया? 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, 7 दिसंबर। क्या होगा? हेलो मोहित जी, बताइए आंसर दीजिए, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, इसके पहले वाले का आंसर रचना बिष्ट रावत सी था। इसका आंसर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। बिल्कुल दयांग देव जी, सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, शर्मा जी ने 24 का डी बोला है, मोहित जी ने डी बोला है, विक्की जी ने डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, भीष्म पितामह जी, सरिता जी ने डी बोला है। ओके फाइन, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है 7 दिसंबर, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में किस लिए? जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। कब? 1996 में। और विश्व भर में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नागरिक उड्डयन के महत्व को रेखांकित करते हुए 2013 से यह दिवस हर साल मनाया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, 7 दिसंबर। हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। क्या होगा जी? पवन राजपूत जी, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। और कोई? आंसर क्या होगा भाइयों बहनों, बताइए आंसर क्या होगा? ओके, कमलेश जी ने सी बोला है। फाइन, दयांग देव जी ने सी बोला है, ड्रीम बॉय, अमन जी, मोहित जी ने सी बोला है, नील वर्मा जी ने सी बोला है, सरिता सिंह जी ने और सचिन आर्यन जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने सी आंसर दिया है झारखंड, अब फटाफट आप लोग ये भी बता दीजिए कैपिटल गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड के? हेलो गोपाल जी, अच्छा ड्रीम बॉय जी झारखंड से हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है शर्मा जी। ओके, कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड की कैपिटल रांची। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, झारखंड। काफी देर तक पॉज ले लिया है ना, कोई बात नहीं, फटाफट देखते हैं कैपिटल क्या है। रांची सब कैपिटल दुमका। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 24। गवर्नर रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। कहां पे? झारखंड में। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से कौन सा? हमार अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
इस पोर्टल के माध्यम से वो राज्य की जो आम जनता है वो 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव जो है वो उसमें साझा कर सकती है। जनता जो है वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से और साथ ही एंड्रॉयड फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा बजट डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से सुझाव दे सकती है। तो प्ले स्टोर पे एक नया ऐप आया है हमारा बजट, पर यहाँ से वो सुझाव दे सकती है बजट 2022-23 के लिए झारखंड। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित म्यांमार की राजनीतिज्ञ आंग सान सू की को कितने वर्ष की कारावास की सजा दी गई है? 4 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर, क्या होगा? थैंक यू भीष्म पितामह जी। जी आप लोग भी क्लास कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, शर्मा जी ने 26 का ए बोला है, मोहित जी ने ए बोला है, पवन जी ने 4 ईयर बोला है। जी पवन जी, मैंने आपका मैसेज देख लिया, आपको बार बार टाइप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर ए दिया है 4 ईयर्स, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? म्यांमार। कैपिटल नेफिडॉ, करेंसी म्यांमार कयात। ओके, म्यांमार की अदालत ने नेता क्या नाम है, आंग सान सू, इनको 4 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने क्या किया था? सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने का जिम्मेदार ठहराया गया था और आंग सान सू को धारा 505 के तहत 2 साल की कैद और प्राकृतिक आपदा कानून के तहत 2 साल, यानी टोटल 4 साल की सजा सुनाई गई। किसे? आंग सान सू को। तो आंसर क्या होगा? 4 ईयर। ये है आपकी कौन? आंग सान सू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुरप्रिया साहू द्वारा किस राज्य में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्या होगा? जी पवन जी, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? जी सचिन जी, इससे पहले वाले का आंसर 4 ईयर था, इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। बिल्कुल ठीक है भीष्म पितामह जी, आंसर क्या होगा? सी होगा, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु आंसर पता चल गया है तो आप लोग तमिलनाडु की बात करिए, ठीक है। गवर्नर, कैपिटल और चीफ मिनिस्टर फटाफट बता दीजिए। थैंक यू मोहित जी, ऐसा कैसे हो सकता है शर्मा जी, नो आइडिया तो नहीं बोल सकते आप। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। गवर्नर कौन है? आर एन रवि। कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई। और चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, भीष्म पितामह जी। सी वाले कौन है? दयांग देव जी, अर्श खान जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे? तमिलनाडु में। और महाकवि दिवस कहाँ मनाया जाता है? महाकवि दिवस कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री में पर्यावरण और वन सचिव कौन? सुरप्रिया साहू द्वारा 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा 1 के तहत किया गया है। पुलिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। किसके बाद? पुलिकट लेक के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। अभयारण्य तमिलनाडु के पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है और काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। किस राज्य में है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु। गवर्नर कौन है? आर एन रवि। कैपिटल कहाँ है? कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन। लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीट्स हैं, कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? क्यू जिमो, विक्टर एक्सेलसन, ली योंग, वांग ची लिनो, किसे चुना है? बिल्कुल ठीक है पवन जी,
मेरी क्लास होती है डेली सुबह 8 बजे। डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं कहाँ पे? एसएससी गुरु पे। हाँ अच्छा, ये चेंज होके मोहित सिंह बन के आ गए हैं क्या आयुष जी? बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? भीष्म पितामह जी ने बी, शर्मा जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? विक्टर एक्सेलसन बी होगा। विक्टर एक्सेलसन और ताई तुजु यिंग को 2020-21 का BWF पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। मतलब मेल में अगर बात करेंगे तो विक्टर एक्सेलसन और महिला कौन है? ताई तुजु यिंग को 2020-21 का प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ओके, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्रेसिडेंट कौन है? पॉल इरिक हेयर लार्सन। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलालंपुर मलेशिया में है। स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1934। कब हुई थी? 1934। और कितने मेंबर हैं? 194 मेंबर हैं। फ्रांस के लुकास मजूर फास्टिन नोएल को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और BWF पेयर ऑफ द ईयर किसे? पेयर ऑफ द ईयर है ये, किसे? विजेता ग्रेस पॉली और अप्रियानी रहयू को मिला है। ओके, और पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है किसे? विक्टर एक्सेलसन। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन युद्धाभ्यास शुरू किया गया है? सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल। क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? भीष्म पितामह जी बिल्कुल ठीक है, मालदीव। अजय कुमार जी, ये क्लासेस डेली सुबह 8 बजे होती हैं 8 AM पे, कहाँ पे? एसएससी गुरु चैनल पे। ओके, एसएससी गुरु साम्य पांडे नाम है मेरा, जाके आप सर्च करेंगे और वहां डेली सुबह होती है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर मालदीव होगा। ओके, मालदीव जी बिल्कुल। किसने बोला है मालदीव? करण जी ने मालदीव बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है, लियो 19 जी ने बोला है मालदीव। ओके, मालदीव कैपिटल क्या है? माले। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। और करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। एक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। ओके, 2021 का जो एक्वेरियन अभ्यास है वो मालदीव में आयोजित किया गया। कहाँ पे? मालदीव में आयोजित किया गया। और दिवेही भाषा में एक्वेरियन का अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। और ये एक इंडो आर्यन भाषा है, ये भारत लक्षद्वीप और मालदीव में बोली जाती है। ये जो अभ्यास है वो 2008 से, कब से? 2008 से भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। अब मालदीव, तो मालदीव की कैपिटल माले। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और यूनाइटेड स्टेट्स मतलब डॉलर भी वहां पे यूज होता है। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? लंदन, दिल्ली, अबू धाबी, दुबई। बिल्कुल अमन जी, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर भी बता सकते हैं अमन जी, जितने फास्ट आप ये मैसेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जिन लोगों ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है, आयुष जी, ड्रीम बॉय जी, भीष्म पितामह जी, करण जी, गोविंद जी, अरविंद जी,
जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सी अबू धाबी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है क्या? अबू धाबी। ओके, तो अब करेंसी क्या है और प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट बता दीजिए। अबू धाबी की करेंसी क्या है, सॉरी, यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी कैपिटल है उसकी, करेंसी क्या है? दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। तो आंसर हो गया सी। ओके, केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पांचवें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया, जो कि कहां पे? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। सम्मेलन का विषय था हिंद महासागर पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था महामारी था। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और उपाध्यक्ष एस जयशंकर, विवियन बालकृष्ण और सैयद बद्र बिन अहमद अल बुसैदी ने की। अब यूनाइटेड अरब अमीरात, तो करेंसी क्या है, अभी बताया मैंने दिरहम, कैपिटल अबू धाबी और प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये पीडीएफ आपको सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक है वहां पे मिलेगी। ओके, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की? किसने की? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र, आईएमडी, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, विश्व बैंक। क्या होगा? बिल्कुल ठीक है पवन जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, आयुष जी ने सी, पितामा जी ने सी बोला है, दयानंद जी ने सी बोला है, शर्मा जी ने सी, शर्मा जी अभी जग रहे हैं, मैंने को लगा सो भी गए। बिल्कुल ठीक है, जी दीप जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सचिन जी, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग आंसर, आप लोगों ने आंसर बोला है सी, आईएमडी, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रिपोर्ट आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में 2021 में रैंकिंग में यूरोप का दबदबा रहा। इस सूची में टॉप 10 देश इसी क्षेत्र से हैं। इस रिपोर्ट में जो स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पे है, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। क्या होगा? आप भी चला सकते हैं आयुष जी, शर्मा जी, भीष्म पितामह जी, बताइए क्या होगा आंसर। 32, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आयुष जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। चीफ मिनिस्टर कौन है, विप्लव कुमार देव, और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने सब रूम के मन बांकुल में एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट को आशय पत्र दिया है। इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय में 31 देशों के छात्रों को बौद्ध साहित्य, संस्कृति और परंपरा पर अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा परिसर में मेडिकल तकनीकी और सामान्य डिग्री कॉलेज स्थापित करने की भी योजना है। तो कहाँ पे ये खुल रहा है, त्रिपुरा में। अच्छा, त्रिपुरा, तो कैपिटल क्या है, अगरतला। चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव, गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यसभा की एक और लोकसभा की दो सीटें हैं। मदर ऑन कैंपस अभियान अभी शुरू हुआ था कहाँ पे, त्रिपुरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? IMF, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर यूनियन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या होगा, 33 का आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है पवन जी,
ओके करण जी ने डी बोला है, आयुष जी ने, दयानंद जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है। राम बाबू कुमार जी ने डी बोला है, शर्मा जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके ओके हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। हेड कौन है, हेनरिएटा एच फोर, कौन है, हेनरिएटा एच फोर, और प्रेसिडेंट कौन है, टॉर हेट्रम, कौन है, टॉर हेट्रम, आंसर क्या होगा, डी होगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। बिल्कुल ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, हेड कौन है, हेनरिएटा एच फोर प्रेसिडेंट है, टॉर हेट्रम, और स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, आंसर क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की सलाहकार, कौन है, कैथरीन रसेल, ये जो बाइडन की सलाहकार हैं, इन्हें यूनिसेफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का अगला प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है, कैथरीन रसेल। रसेल जो है वो व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख हैं, और 2013 से 2017 तक वह महिलाओं के वैश्विक मुद्दों के लिए विदेश मंत्रालय की विदेश राजदूत भी रह चुकी हैं। रसेल जो है वो हेनरिएटा फोर का स्थान लेंगी, किसका, हेनरिएटा एच फोर का स्थान लेंगी, और जुलाई में पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, किसने, हेनरिएटा एच फोर ने, और उनकी जगह पे कौन बनेंगी, कैथरीन रसेल, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ESG यानी इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्ट लॉन्च की है, गो फर्स्ट, किंग फिशर, इंडिगो, एयर इंडिया, क्या होगा, जी विष्णु पितामह जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अब आंसर भी दीजिए। ओके गुरुवाइन का, ओके बिल्कुल ठीक है, तो 34 का आंसर क्या होगा, ये कैसे होगा, अब तो नींद में आ ही चुके हैं शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा, सी होगा। प्रशांत जी बस थोड़ी देर और चलेगी, ड्रीम बॉय जी बस थोड़ा सा और है ना, थोड़ी देर आप लोग और क्लास कर सकते हैं, बस क्लास एंड होने वाली है। मैरी क्रिसमस अमित जी, PDF के लिए आदित्य जी, सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, और ये टेलीग्राम लिंक के लिए आपका, आपको कहाँ आना होगा, सुबह डेली डेली क्लास होती है, कहाँ पे, SSC गुरु चैनल पे, ये देख रहे हैं SSC गुरु, अभी गुरुवाइन गुरुवाइन सुन रहे होंगे तो गुरु समझ आ गया होगा है ना, तो बिल्कुल अगर डेली का SSC बनना है तो SSC गुरु पे आना है। ओके SSC गुरु पे डेली क्लासेस होती हैं, 8 AM सुबह 8 बजे होती है करंट अफेयर्स की क्लासेस, वहां आप आएंगे, वहां के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले ही पहले मिल जाएगा सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको क्लास की PDF प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इंडिगो। अच्छा इसके CEO कौन है, स्थापना कब हुई थी, 2005 में हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है, और CEO कौन है, CEO है रोनो दत्ता, कौन है, रोनो दत्ता। थैंक यू पवन राजपूत जी एंड सेम टू यू, बिल्कुल ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में, स्थापना कब हुई थी, 1960, 1960। ओके तो इंडिगो ने सतत विमान ईंधन के विनिर्माण और इसके वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल के लिए देहरादून की वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के साथ करार किया है। एयरलाइंस कंपनियों के वैश्विक निकाय IATA के अनुसार
SAF ऐसा ईंधन होता है जिसमें सामान्य केरोसिन की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर अंजन राय। स्थापना 1960 कब? 1960 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। ओके, इंडिगो आंसर क्या होगा? किसके साथ किया है? पहली एयरलाइन कौन सी है? इंडिगो है। इसके सीईओ कौन है? रोनू दत्तो। स्थापना कब हुई थी? रोनू दत्ता। स्थापना 2005 में हुई थी और हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक को हाल ही में किसके द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड। क्या होगा? थैंक यू भीष्म पितामह जी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, शर्मा जी ने नींद में सही आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक है। करण जी, शर्मा जी, आदित्य जी, दयांग जी, आयुष जी, बिल्कुल ठीक है। पवन जी, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? थैंक यू दीप जी एंड भीष्म पितामह जी, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये तो सबको पता होगा, है ना? तो सब लोग फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में, कौन है आरबीआई के गवर्नर? बिल्कुल ठीक हूँ विकास जी, आप बताओ आप कैसे हो जी? रिच पर्सन जी, लग ही रहा है आपके नाम से ही मैंने समझ लिया था, बस आप ही नेक्स्ट हो। ओके, ओके, आयुष जी अभी प्रेजेंट हैं, वेरी गुड आयुष जी, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम गया इनका? पवन जी। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, पेटीएम पेमेंट बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पेटीएम पेमेंट बैंक का? नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में है। तो इसका आंसर तो पहले हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है और अनुमोदन से इसे और अधिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को लाने में मदद मिलेगी। 33.3 करोड़ पेटीएम वॉलेट का समर्थन करता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में। किसमें? दूसरी अनुसूची में पेटीएम पेमेंट बैंक को शामिल किया गया। ओके, तो बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और स्थापना शर्मा साहब हैं। कौन है? शर्मा साहब हैं। स्थापना कब हुई थी? 2015 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई में और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जी संदीप जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? विकास जी क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके वाशिफ जी, तो ये क्लासेस डेली सुबह करंट अफेयर्स की होती हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी गुरु चैनल पे होती है और मेरा नाम सौम्या पांडे है, आप जाके सर्च कर सकते हैं और वही क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। जी बिल्कुल ठीक है यूपी वाले, बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने इसका आंसर, उमर जी, प्रशांत जी, कृष्ण कुमार जी,
सा आलम जी आंसर क्या होगा? यूपी होगा, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को चालू वित्त वर्ष 2021-22 से लागू किया जाएगा और राज्य के प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1.475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। इस प्रयास से वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 3 कृषि उत्पादक कंपनियां, कितनी, कम से कम 3 कृषि उत्पादक कंपनियां स्थापित हो जाएंगी। इस परियोजना अवधि में लगभग 634.25 करोड़, 634.25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। कितना लगेगा? 634.25 करोड़। और इसमें लगभग 14.75 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। तो आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को कहाँ पे मंजूरी मिली है? उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, उत्तर प्रदेश। ओके, अब जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, मैंने आंसर स्टिक नहीं किया होगा, मुझे मेरी आदत है, मैं रिवीजन करवाती हूँ, तो फटाफट एक बार एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। ओके, मैरी क्रिसमस रविंद्र जी, वसीब जी, डेली क्लास सुबह, नहीं भैया अभी नींद नहीं आया, ड्रीम बॉय जी अभी कहाँ नींद आ रहा है, अभी तो आप लोगों को रिवीजन करना है ना, तो ना आपको नींद आना है और ना मुझे नींद आना है, अभी दोनों को जगना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? कौन है जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहा है? थैंक यू भीष्म पितामह जी, हेलो कृष्णा कुमार जी, डेली सुबह 8 बजे ये क्लासेस होती हैं एसएससी गुरु पे। ओके, और 7 बजे लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे और वाईफाई पे क्लास कल आपकी इसी टाइम पे है 11 बजे रात में। ओके, इसी चैनल पे 11 बजे है स्टैटिक जीके जीएस की क्लासेस और सेम टाइम पे है। और नेक्स्ट डे यानी संडे को आपकी क्लास 10 बजे रात में है, 10 PM पे है, और रेलवे स्पेशल क्लास है, रेलवे डी के, रेलवे किसके लिए है? रेलवे और किसके लिए है? NTPC के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है और NTPC के लिए भी है। आए हुए क्वेश्चंस होंगे उसमें, प्रीवियस ईयर में आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था, कोई बताएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अब तो बता ही दोगे, है ना, बताओ क्या था। हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलकुट ने बुकर पुरस्कार जीता है? किस देश के हैं? थैंक यू भीष्म पितामह जी, बिल्कुल आप लोग भीष्म पितामह जी की बात पे ध्यान दे सकते हैं। साढ़े 8 बजे आपकी क्लास होती है, स्पेशल क्लास ऐप पे होती है, कहाँ पे? अनअकैडमी ऐप पे जो आपकी क्लासेस होती है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे 8:30 बजे उसकी टाइमिंग है। ओके, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बताइए फटाफट। बिल्कुल ठीक है, आप शर्मा जी ने बोला है, सब लोग सीरियसली पढ़ो। ओके, बताइए क्या होगा? डेमन गलकुट बुकर पुरस्कार जीता है इन्होंने, किसके लिए? दक्षिण अफ्रीका के हैं, किस कहां के हैं? द प्रॉमिस के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है 2021 का, और ये कहां से हैं? दक्षिण अफ्रीका। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, आंसर क्या होगा? थैंक यू दीप जी, जी संदीप जी आपका रिजल्ट चेक किया, बहुत अच्छा है। ओके, बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, रिवीजन के टाइम पे शर्मा जी एक्टिव हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अरे इतनी जल्दी मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं है भीष्म पितामह जी, बिल्कुल आप जाइए, सो जाइए और सुबह टाइम से आ जाइएगा। ओके, सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, कल भी आपकी सुबह 8 बजे क्लास है, कहाँ पे? एसएससी गुरु चैनल पे। तो बिल्कुल भीष्म पितामह जी सुबह सुबह 8 बजे आ जाइएगा, चलिए जाइए, आपको आज्ञा दी, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर होगा 2 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कंटारकी ब्रांड जेड इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे उद्देश्यपूर्ण प्रौद्योगिकी ब्रांड की सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? कौन सी है?
बताइए, अब तो रिवीजन है, अब तो करा दिया है सारे क्वेश्चन, अब तो बता दो इतना लेट क्यों आ रहा है। वो भी मिल जाएगा, भीष्म पितामह जी की बातों पे ध्यान दीजिए, सब मिलेगा। आप लोग लेट चल रहे हो, थोड़ा सा अपना आगे करो, ठीक है, बहुत पीछे हो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या होगा आंसर, क्या होगा? आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं, अमेजन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कुटियटर आम और एंड्यूर मिर्च को किस राज्य से जीआई टैग मिला है? किस राज्य से है ये? जी बिल्कुल ठीक है भीष्म पितामह जी, मैं भी जुड़ जाऊंगी, है ना? बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा फटाफट बताओ ना फिर। कमाल तो करते हैं पांडे जी, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? सी होगा, केरल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। बिल्कुल ठीक है शर्मा जी। अब तो मुझे ऐसा होगा ना कि मेरे को बोलना होगा बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, क्योंकि मुझे पता है रिवीजन तो बस वही करते हैं और कोई तो आंसर देगा नहीं। ओके कृष्णा जी ने बिल्कुल ठीक है, दिनेश जी, वीरेंद्र जी, शिव जी, अमित जी, आयुष जी, जी भीष्म पितामह जी बोलिए। हाल ही में किस देश ने फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है? किस देश ने की है? बिल्कुल इसके पहले वाले का आंसर था ए एंड बी, दोनों था। ओके ये सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप यहां से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। आंसर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस राज्य ने दो नई योजनाएं, जनसेवक और जन स्पंदन शुरू करने की योजना बनाई है? किसने शुरू किया है जनसेवक और जन स्पंदन? कर्नाटक। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने सी आंसर दिया है कर्नाटक, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू दीप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं? तो पहुंच गए हैं आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी ओर अवार्ड जीत लिया है? किसने जीता है? जी अनिल कुमार जी, आपका नाम ले लिया, आपका नाम बताइए, आंसर भी दीजिए तो फिर आपका नाम भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा? मैसी साहब ने, नियोलन मैसी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? क्या है? वैक्स। तो आंसर सी होगा। हाल ही में किस भारतीय को ट्विटर ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? किसे किया है? पराग अग्रवाल। आंसर क्या होगा? डी होगा, पराग अग्रवाल। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने डी बोला है, पराग अग्रवाल, नहीं मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे किया है? संजय दत्त को। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा संजय दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट यानी सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म परियोजना को लॉन्च किया है? किसने किया है? बिल्कुल ठीक है, दिनेश जी, संदीप जी, अंकित जी। ओके तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। बिल्कुल ठीक है। तो केरल राज्य सरकार ने स्ट्रीट, किसे? स्ट्रीट परियोजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? अंजू बॉबी जॉर्ज। किसने जीता है? अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज। चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ यानी न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 के विजेता के रूप में किस पुस्तक को चुना गया है? किस पुस्तक को चुना गया है? नौरोजी पॉयनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। आंसर क्या होगा? ए होगा।
बिल्कुल ठीक है आयुष जी, अंकित जी, मार्कस जी, आदित्य जी, पंडित जी, अनिल जी, वासिफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस नाम के भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? किस नाम से? विज्ञान वन, धावक वन, धवन वन, सुरक्षा वन, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है धवन वन, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, आंसर होगा धवन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो भी लोग अभी लेट आए हैं उन्हें मैं बता दूं, अभी ये रिविजन हो रहा है, ठीक है, तो मैं टाइम कम दे रही होंगी तो आपको लग रहा होगा बहुत फास्ट जा रही है मैम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रिविजन है, तो क्लास एंड हो चुकी है तो रिविजन है इसलिए थोड़ा फास्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस क्या होगा? सी होगा, भारतीय नौसेना दिवस। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा, मेरे को रतन टाटा टू ऑल याद आ गया, रतन टाटा को देने की घोषणा की है? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है उमा जी, संदीप जी, सचिन जी, गुड नाइट। आयुष जी बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? असम। जिन भी लोगों ने डी बोला है असम, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। कौन से फुटबॉलर से इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 800 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? कौन बन गए हैं? आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ए हो जाएगा। ओके, अच्छा, वैलेंडी ओर अवार्ड किसे मिला? मेसी को। भारत और किस देश ने हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज को तैयार किया है? नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है, संदीप जी बिल्कुल ठीक है, 19 का ए था। ओके, 20 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल ठीक है आयुष जी, आंसर क्या होगा? अभी तो रिवीजन हो रहा है, फिर भी आप लोग जो कुछ लोग पहले से थे वो फिर भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? बिहार। कितने लोग हैं बिहार से? बिल्कुल ठीक है, बिहार ने जीता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू किया है? ब्राजील, इंडोनेशिया, मालदीव, गाम्बिया, आंसर क्या होगा? जी मुझे दिख रहा है 6 मंथ का करंट अफेयर्स, बिल्कुल, तो जो बीच में पितामा जी बोल रहे थे, बिल्कुल आप लोग उस चैनल पे आइए, आप लोगों को कराया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? गाम्बिया। तो बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है डी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज का विमोचन किया गया है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है रचना बिष्ट रावत, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2021 कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? 7 दिसंबर। तो जिन भी लोगों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? झारखंड। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित म्यांमार की राजनीतिज्ञ आंग सान सू की कितने वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? कितने वर्ष की कारावास की सजा दी गई है? एक मिनट,
बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुप्रिया साहू द्वारा किस राज्य में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, तो आंसर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है, आंसर क्या होगा, बी होगा, विक्टर एक्सेलसन। ओके जिन भी लोगों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन युद्धाभ्यास शुरू किया गया, बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा, मालदीव। तो जिन भी लोगों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने पांचवें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया, ये सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, फटाफट बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने सी आंसर दिया है, अबू धाबी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है, किसने की है, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किस राज्य सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, किसने दी है, बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने, बिल्कुल ठीक है आयुष जी, आंसर क्या होगा, बी होगा, त्रिपुरा। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है, कहां का किया है, यूनिसेफ, तो बिल्कुल ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ESG यानी एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्ट लॉन्च की है, किसने किया है, तो आंसर क्या होगा, इंडिगो ने किया है, तो आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक को हाल ही में किसके द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, किसे दिया गया है, किसने दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल ठीक है, RBI के द्वारा, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है हार्दिक जी, आंसर क्या होगा, RBI। ओके हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, UP, उत्तर प्रदेश। ओके तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी टाइम पे कल हमारी क्लास होगी 11 PM पे, 11 बजे कल आपकी क्लास होगी, इसी टाइम पे स्टैटिक की क्लास होगी, और इसके नेक्स्ट डे यानी संडे को 10 PM पे होगी, 10 बजे होगी आपकी मैराथन क्लास होगी। ओके ये देख सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज है SSC के लिए, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, स्टार्टिंग ऊपर वाली, और लास्ट टू जो है वो प्लस लर्नर के लिए है, तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेज अ हैंड का फीचर आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलता है, बिल्कुल इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होता है, यहाँ पे आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हैं एंड अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड विन का फीचर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसमें लिंक प्रोवाइड की जाती है, आप वहां जाके अगर आपको कोई कॉन्टेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है और पहले आप लर्नर हैं जिन्होंने क्लेम किया है, तो आप प्राइज भी जीत सकते हैं। ओके स्पेशल क्लास, बिल्कुल स्पेशल क्लास की कल की टाइमिंग अगर मैं बता दूं तो आपकी 8:30 और आपकी स्टैटिक GK GS की क्लासेस होंगी। ओके स्टैटिक की क्लास होगी 8:30 और टाइम क्या है 8:30 PM डेली 8:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास होती है, कहाँ पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, और कल आपकी डेट है 25, मतलब कल क्या, अब तो आज ही हो गया है ना, 25 दिसंबर 8:30 बजे स्टैटिक GK GS की क्लास होगी आपकी। ओके थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, मैरी क्रिसमस, बाय बाय। आपने अगर बिल्कुल PDF के लिए आप सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।